प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर पुलिस ने 70 किलो एमडीएमए ड्रग बरामद की गई थी, जिसमें अब तक पुलिस ने 22 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ में कई खुलासे हुए, जिसमें आरोपी अकरम पठान को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी पूर्व पकड़ाए गए ड्रग पेडलर तबरेज और रिजवान से ड्रग लेकर खजराना इलाके में तस्करी का काम शुरू किया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में अकरम से क्राइम ब्रांच पुलिस अन्य और भी ड्रग पेडलर की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ कर रही है। लगातार एमडी ड्रग्स को लेकर के कार्रवाई जारी है और इसी के तहत अगर बात की जाए तो अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश शासन के जैसे ड्रग माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश है। इसी तारतम्य में जो है विगत दिनों में जो कार्रवाई हुई थी, बड़ी कार्रवाई, उसमें एक आरोपी को जो है अरेस्ट किया गया है, अकरम नाम है इसका, और इसकी लिंक जो है बॉम्बे से माल लाने में और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने में मिली थी। अभी इसको पीआर पे लिया गया है, इससे पूछताछ जारी है। हाँ सर, इसके कोई कनेक्शन मिले हैं अंडरवर्ल्ड या फिर बॉलीवुड से? अभी तो हमने इसको जो है अरेस्ट किया है, इससे पूछताछ वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या फैक्ट्स आते हैं सामने। सर, इसके पहले भी बिल्ला नामक एक आरोपी को लेकर के आए थे, उससे भी पूछताछ की गई है। बिल्ला से कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सर? कुछ जानकारियाँ महत्वपूर्ण मिली हैं, जिनकी हम लोग जो है तस्दीक कर रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में है वो, आगे कोई उसमें अरेस्ट होती तो आपको बताएं। हाँ सर, कितने राज्य हैं जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क भी फैला हुआ है? ये तो आसपास इसके आसपास के राज्य हैं जिसमें जो है ये माफियाओं का जो है कारोबार चलता था। इस पूरे कारोबार को ब्रेक करने में इंदौर पुलिस की टीम लगी हुई है। सर, एक खादिम करके बड़ा जिक्र चल रहा है इस बार ड्रग्स को लेकर, क्या है खादिम आखिर, क्या ये कोई खादिम? नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। सर, राजस्थान में एक लाला गिरोह भी है। हाँ, एक ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ से भी जो है एक लाला लोग हैं जिन जो भी इस ड्रग ट्रैफिकिंग के काम में जो है उनका नाम आ रहा है।